नमस्कार, मैं प्रिया, धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। पंजाब के अमृतसर में कथित बेअदबी के प्रयास में एक युवक की पीट पीट कर जान लेने के कुछ घंटे बाद कपूरथला जिले में स्थानीय लोगों ने एक अन्य व्यक्ति की पिटाई कर दी। निजामपुर गांव के निवासियों ने रविवार तड़के गुरुद्वारे के पास एक शख्स को इस आरोप में पकड़ा कि वो तड़के 4 बजे गुरुद्वारे में निशान साहिब का अपमान कर रहा था। मिली जानकारी के अनुसार गुरुद्वारा के कार्यवाहक अमरजीत सिंह ने एक वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। कर्नाटक की भाजपा सरकार विधानसभा सत्र के दौरान धर्मांतरण विरोधी कानून लेकर आने वाली है। भाजपा की बसवराज बोम्मई सरकार ने इस बात के संकेत दिए हैं कि धर्मांतरण विरोध कानून को और सख्त बनाया जाएगा। बिल के नए मसौदे में सजा की अवधि 3 साल से बढ़ाकर 10 साल और जुर्माने की रकम 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख और 5 लाख तक की जा सकती है। दिसंबर महीने में सर्दी का सितम बढ़ गया है। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। पहाड़ी इलाकों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड ने जीना दुश्वार कर दिया है। राजधानी दिल्ली में सर्द हवाओं ने लोगों को अपने घरों में कैद कर दिया है। उधर राजस्थान के सीकर में तापमान माइनस में चला गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अध्यक्ष सौरभ गांगुली और भारतीय टेस्ट कप्तान विराट कोहली को लेकर हाल ही में हुए विवाद ने सबसे ज्यादा चर्चाएं बटोरी है। विराट ने बीते बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने और रोहित शर्मा के बीच अनबन की खबरों का खंडन किया है। साथ ही गांगुली के एक बयान को गलत भी साबित कर दिया है। गांगुली ने अब एक इवेंट के दौरान उनके पसंदीदा एटीट्यूड वाले खिलाड़ी का नाम बताया है, जहां उन्होंने विराट का नाम दिया। उन्होंने कहा कि मुझे विराट कोहली का एटीट्यूड पसंद है, लेकिन वो लड़ते बहुत है। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर के लिए खतरे के साथ ही पाबंदियों का दौर भी वापस लेकर आ गया है। टीकाकरण की तेज रफ्तार के साथ ही उम्मीद की जा रही थी कि कोरोना का कहर मंद पड़ेगा, लेकिन अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों में रोज आ रहे रिकॉर्ड कोविड केसों ने एक बार फिर से सख्त प्रतिबंधों की वापसी के लिए मजबूर कर दिया है। फ्रांस ने नए साल के जश्न के दौरान आतिशबाजी पर रोक लगा दी है, तो वहीं नीदरलैंड ने क्रिसमस पर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। ब्रिटेन में भी रोज आ रहे ताबड़तोड़ केस के बीच फिर से लॉकडाउन लगाने पर विचार किया जा रहा है। टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे आज अपना 37वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। एक्ट्रेस की जिंदगी में खुशियों की लहर आ चुकी है और एक के बाद एक उनके पास सेलिब्रेशन के कई बहाने आते जा रहे हैं। हाल ही में एक्ट्रेस अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड विकी जैन के साथ शादी के बंधन में बंध गई थी। प्री वेडिंग फंक्शंस और फिर हनीमून के बाद अब एक्ट्रेस अपने बर्थडे को एंजॉय कर रही है। एक्ट्रेस ने अपने पति विकी जैन के साथ 12 बजे रात को केक कटिंग सेरेमनी की और उसकी झलकियां उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। भारत में कोरोना के इलाजरत मरीजों के आंकड़े में तेजी से गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में कोरोना से महज 7,081 नए मामले सामने आए हैं, वहीं ठीक होने वालों की संख्या इससे ज्यादा रही। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब देश में कोरोना के सिर्फ 83,913 एक्टिव केस रह गए हैं, जो पिछले 570 दिनों में सबसे कम है। पिछले एक दिनों में कोरोना के 7,469 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसके बाद अब कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा 3,41,78,940 तक पहुंच गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि 89 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान की जा चुकी है और यह उन स्थानों पर डेल्टा वेरिएंट की तुलना में तेजी से फैलता है, जहां संक्रमण का सामुदायिक स्तर पर प्रसार अधिक है। इसके मामले 1.5 से 3 दिन में 2 गुने हो जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रेडिनेंस फॉर ओमिक्रॉन टेक्निकल ब्रीफ एंड प्रायोरिटी एक्शंस फॉर मेंबर स्टेटस रिपोर्ट में कहा है कि मौजूदा उपलब्ध आंकड़ों को देखें तो आशंका है कि ओमिक्रॉन उन स्थानों पर डेल्टा से आगे निकल जाएगा, जहां सामुदायिक स्तर पर वायरस का प्रसार अधिक है। शनिवार को देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 30 नए केस सामने आए हैं। इससे पहले शुक्रवार को 26 नए केस सामने आए थे। पिछले 3 दिनों से देश में ओमिक्रॉन संक्रमण की रफ्तार बढ़ गई है। इस तरह देश में अब तक ओमिक्रॉन के 143 केस दर्ज हो चुके हैं। देश के 12 राज्यों में ओमिक्रॉन संक्रमण का पता चल गया है। एक्सपर्ट के मुताबिक ये देश में चिंता का कारण है। हालांकि एक्सपर्ट ने कोरोना से बचाव के तरीकों को अपनाने की बात कही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन के वीरों को नमन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में काकोरी शहीद स्मारक स्थल पर शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे वीरों ने 1925 में काकोरी में ब्रिटिश खजाना लूटकर ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी थी। लखनऊ में काकोरी घटना के नायकों में राजेंद्रनाथ लाहरी, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खान को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के ड्रोन रिस्पांस एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट पायलट प्रोजेक्ट ने शनिवार को चिकित्सा आपूर्ति देने के लिए नागालैंड के मोकोक चुंग्स ने त्वेन सॉन्ग और अपनी आखिरी और सबसे लंबी ड्रोन उड़ान भरी है। त्वेन सॉन्ग की आई ड्रोन टीम ने कहा है कि हमारी आखिरी और सबसे लंबी एक तरफा ड्रोन उड़ान ने 28 मिनट में मोकोक चुंग से त्वेन सॉन्ग तक चिकित्सा आपूर्ति पहुंचाई। 28 मिनट में ड्रोन ने 90 किलोमीटर का सफर तय किया, जहां तक पहुंचने में 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया है कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अब तक 3.7 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2021 है। वित्त मंत्रालय ने इससे संबंधित एक ट्वीट भी किया है। अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करते हुए वित्त मंत्रालय ने यह बताया कि 17 दिसंबर तक कुल 3,71,74,810 ITR दाखिल किए गए हैं, जिसमें 6,91,338 ITR दर्ज किए गए हैं।
IANS की रिपोर्ट के मुताबिक अभिनेत्री सारा अली खान ने द कपिल शर्मा शो में खुलासा किया है कि अक्षय कुमार ने अतरंगी रे के सेट पर लोगों के साथ मिलकर प्रैंक किया था। जब अक्षय ने सारा से पूछा कि क्या तुम किसी प्रैंक का शिकार हुई, उसका जवाब में सारा शो के होस्ट कपिल को बताती है कि कैसे अक्षय कुमार ने एक मीठी गेंद में लहसुन की एक फली को छुपाया और उसके साथ प्रैंक किया था। नीदरलैंड में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण हालात एक बार फिर से खराब हो रहे हैं। ऐसे में देश की सरकार ने लॉकडाउन का फैसला किया है। शनिवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण बढ़ते संक्रमण के मामलों को देखते हुए लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने जा रहा है। जितना हमें डर था ओमिक्रॉन, उससे कहीं अधिक तेजी से फैल रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण काल में संकट से जूझ रहे पर्यटन कारोबारियों के साथ ही ताजमहल को भी जोर का झटका लगा है। स्मारक के दो बार बंद रहने और इंटरनेशनल फ्लाइट स्थगित होने से विदेशी पर्यटकों का आना संभव नहीं होने की वजह से ताजमहल की कमाई घट गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में टिकट बिक्री में ताजमहल को 106.8 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 में घटकर 11.2 करोड़ रुपए रह गई है। ताजमहल की आय में 95.5 करोड़ रुपए की कमी आई है। शार्क मछली कोविड से लड़ने में मददगार हो सकती है। वैज्ञानियों ने पता लगाया है कि शार्क के इम्यून सिस्टम में मौजूद एंटीबॉडीज जैसे प्रोटीन कोविड उत्पन्न करने वाले वायरस को रोक सकते हैं। VNAR नामक ये प्रोटीन आकार में मानव एंटीबॉडीज से बहुत छोटे हैं। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि उन स्थानों में भी प्रवेश कर सकते हैं जहां मानव एंटीबॉडीज नहीं पहुंच सकती। अमेरिका में विस्कोसिन मेडिसिन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अरोन लेबियू और उनकी टीम ने 3 खासकर VNAR की पहचान की है। अब छोटे निवेशकों को अच्छा विकल्प मिल सकता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ऐसे निवेशकों के लिए खास मौका लेकर आ रहे हैं। गडकरी ने शुक्रवार को कहा है कि उनका मंत्रालय एक इनविट मॉडल लाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए वो मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी के साथ बातचीत भी कर रहा है। उन्होंने बताया है कि इसके जरिए छोटे निवेशक जैसे सीनियर सिटीजन, रिटायर्ड सरकारी अधिकारी आदि अपनी बचत को केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश कर सकेंगे। मशहूर निर्देशक SS राजमौली का कहना है कि वो राज़ी में आलिया भट्ट के अभिनय से प्रभावित हुए और इसी वजह से उन्होंने उन्हें अपनी अगली फिल्म अखिल भारतीय फिल्म RRR में सीता की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चुना है। राजमौली ने IANS से कहा है कि मेरे लिए फिल्म में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, आग और पानी, यानी कि राम और भीम, जो बहुत मजबूत है और प्रकृति में विशिष्ट है। मेरे लिए सीता का किरदार बाहर से बहुत नाजुक है लेकिन अंदर से बहुत मजबूत है। साल आने में बस कुछ ही दिन बाकी है। वहीं भारत में बहुत सी कंपनियां ग्राहकों के कंफर्ट को देखते हुए गाड़ियां निकाल रही है। इसी लाइन में कावासाकी ने भारत में अपनी दमदार ऑफ रोड मोटरसाइकिल MY22L KLX450R को लॉन्च कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने बताया है कि यह मोटरसाइकिल लाइम ग्रीन रंग में उपलब्ध होगा। इसकी कीमत 8,99,000 रुपए से शुरू हुई है। कोविशील्ड की दो खुराक लेने के 3 से 7 महीने बाद भी 500 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों में कोविड 19 के खिलाफ उच्च स्तर की सुरक्षा का पता चला है। रिसर्च के मुताबिक लोगों में 90% एंटीबॉडीज मिली है। पुणे स्थित बीजे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और ससून अस्पताल की हालिया रिपोर्ट से इसकी जानकारी मिली है। स्टडी के मुताबिक आबादी के एक हिस्से ने अभी तक वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लिया है, तो उनके लिए बूस्टर डोज लेना उचित नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 100% वैक्सीनेशन पूरा हो गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जहां वैक्सीनेशन सबसे पहले पूरा हुआ। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने दुनिया को सबसे दुरस्त हिस्से में से एक इस असाधारण उपलब्धि के लिए दुर्गम बाधाओं को पार किया। पाकिस्तान की इमरान सरकार के खिलाफ वहां की जनता में असंतोष बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान की टैक्स एजेंसी के पूर्व प्रमुख शब्बर जैदी का एक बयान सामने आया है जिसमें वो पाकिस्तान के दिवालिया होने की बात कह रहे हैं। साथ ही उन्होंने इमरान सरकार पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि सरकार देश की समृद्धि के बारे में झूठ बोल रही है। बारिश और बर्फबारी से सराज और नाचन क्षेत्र की करीब 25 सड़कें बंद हो गई है। इससे आधे से ज्यादा क्षेत्र जिला मुख्यालय में कट गया है। दूध, ब्रेड, अंडे जैसी रोजमर्रा चीजों की सप्लाई बाधित है। पाइपें जमने से पेयजल आपूर्ति प्रभावित है, तो बर्फबारी से तार टूटने से विद्युत आपूर्ति पर भी असर पड़ा है। खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। पहाड़ियों पर ताजा बर्फबारी से पूरे सराज समेत नाचन में शीतलहर चल रही है। देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरों के बीच दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने स्कूल को खोलने का फैसला लिया है। राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार 18 दिसंबर यानी कि कल से ही स्कूल खोल दिए गए हैं। इस बाबत शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश जारी करने का काम किया था। दिल्ली सरकार की तरफ से यह फैसला कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के निर्देश के बाद दिया गया। भारत और मध्य एशियाई देशों की तीसरी वार्ता आज राजधानी दिल्ली में हुई जिसमें उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया था। 5 मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के संवाद के तीसरे संस्करण में अफगानिस्तान की स्थिति, संपर्क और विकास केंद्रित सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर रहा। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री SJ ने कहा कि भारत का अफगानिस्तान के साथ गहरा संबंध है।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी प्रदेश की महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। हाल ही में अपना महिला घोषणा पत्र जारी करने के बाद उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रविवार को कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा महिला शक्ति संवाद रैली को संबोधित करते देखे गए। इस शक्ति संवाद में वो स्थानीय महिलाओं से बातचीत भी उन्होंने की। पंजाब के 32 किसान संगठनों ने शनिवार को कहा कि वो राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे या चुनाव में भाग नहीं लेंगे। दूसरी तरफ आज भी भारतीय किसान यूनियन के एक नेता ने चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक संगठन बनाया है। ये किसान संगठन केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल थे। एक टीवी चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जीतने के लिए पार्टी में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने साल 2024 में भाजपा को हराने का फॉर्मूला भी साझा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पार्टी के रूप में जिस तरह से खुद को स्ट्रक्चर किया है, चुनाव के दौरान जिस तरह से वो जनता तक पहुंचती और लोगों से जुड़ती है, उसमें बुनियादी गड़बड़ी है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है इनके नाम है नगेंद्र कुमार, मुन्ना यादव, नुनू कुमार, प्रवीण कुमार, वैद्यनाथ ठाकुर, सोनू मंडल, गुड्डू कुमार, निधि चौधरी, जितेंद्र ठाकुर, मैक्स कृष्णा मैक्स, ओमकार सिंह, आशु आशुकी, संतोष यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश के कई राज्यों में ओमिक्रॉन की पुष्टि होने के बाद क्या स्कूल कॉलेज को बंद कर देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।